जब हमने धूम 3 के बिहाइंड द सीन्स पर वीडियो बनाई तो उस पर आपका काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया और साथ ही बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाइए, जिसके बाद आज हम आपके लिए धूम 3 का सेकंड पार्ट लेकर आ चुके हैं जिसमें आपको पहले से भी अच्छे BTS मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे कमाल के बिहाइंड द सीन्स देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कोई भी सीन मिस ना कर पाए। सबसे पहले आपको बता दें, इस मूवी के लिए आमिर खान ने अपने हेयर स्टाइल को लेकर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें उन्होंने पहले तो ऐसे ब्राउन कलर के बाल कराए जो उन्हें काफी ज्यादा अच्छे लगे, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा अपने बालों को काला करा लिया और ऐसे ही बहुत सारे हेयर स्टाइल ट्राई करने के बाद उन्हें एक हेयर स्टाइल पसंद आया जो कि हमने मूवी में देखा है। मूवी में आपने ये सीन तो देखा ही होगा जिसमें साहिर के पापा यानी जैकी श्रॉफ अपने आप को गोली मार लेते हैं। इस सीन को शूट करने के लिए जैकी श्रॉफ के पीछे एक गद्दा रख दिया गया था ताकि जब वो अपने आप को गोली मारने की एक्टिंग करेंगे तो गिरते समय उन्हें कोई चोट ना आए। इस फिल्म में अली यानी उदय चोपड़ा को एक रैंप पर बाइक चलाते हुए दिखाया गया है। रिहर्सल के टाइम तो ये सीन उदय चोपड़ा ने अच्छे से कर दिखाया था, लेकिन रियल शूटिंग के टाइम उनका बैलेंस बिगड़ गया जिस वजह से उन्हें थोड़ी बहुत चोट लग गई, जैसे कि आप इस बिहाइंड द सीन वीडियो में देख ही सकते हैं। मूवी में आपने ये वाला एक्शन सीक्वेंस तो देखा ही होगा जिसमें एक ऑटो घूमता हुआ दिखाई देता है और इस सीन को कुछ ऐसे शूट किया गया है। इस वाले सीक्वेंस में ही ये सीन भी शामिल है जिसमें एक ऑटो को छत पर चलते हुए दिखाया जाता है। इस सीन को रियल में पीछे ग्रीन बैकग्राउंड लगाकर शूट किया गया है। इसके बाद एक व्हाइट वाला सीन भी आता है जिसके बिहाइंड द सीन आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। एक सीन आता है जिसमें अली एक पोस्टर को फाड़ते हुए बीच से बाइक निकालता है। क्योंकि ये सीन काफी ज्यादा डेंजरस था, इस वजह से इस सीन को उदय चोपड़ा ने नहीं बल्कि एक स्टंट मैन ने किया है। इसी के बाद जे अली के बाइक पर बैठकर एक डंडे से कुछ लोगों को मारता है जिसका रिहर्सल पहले से ही कर लिया गया था। बैंक से नीचे आते ही जब साहिर अपनी बाइक लेकर भागता है तो अली उसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद एक खतरनाक बाइक स्टंट सीन देखने को मिलता है। आपको बता दें, इस सीन को शूट करने से पहले ही इसका विजुअलाइजेशन कर लिया गया था। मूवी में जब साहिर और समीर अपनी तीसरी बैंक रोबरी करके भाग रहे होते हैं तब एक खतरनाक स्टंट सीन देखने को मिलता है। हालांकि इस सीन को स्टंट मैन ने ही परफॉर्म किया था और इसी के बाद ही एक और खतरनाक कार क्रैश वाला सीन देखने को मिलता है जिसे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। बताया जाता है कि इस सीन में ये कार डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर चटर्जी के ऊपर से निकल के गई थी। हालांकि इससे किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन ये सीन को शूट करना काफी ज्यादा डेंजरस था। इसके अलावा मूवी में ट्रेन वाला ये डेंजरस सीन भी शामिल है जो देखने में तो डेंजरस लगता है, लेकिन रियल में इस सीन को शूट करना बिल्कुल भी डेंजरस नहीं था क्योंकि इस सीन को VFX की मदद से बनाया गया है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। वैसे तो धूम 3 में बहुत सारे गाने देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से दम मलंग गाने को शूट करने के लिए कैटरीना कैफ और आमिर खान ने काफी ज्यादा मेहनत की थी क्योंकि इस सॉन्ग में दिखाए गए रिंग वाले सीन को शूट करने से पहले दोनों को काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। आपको बता दें, जिस जगह ये दोनों डांस करते थे उस एरिया को मूवी में बड़ा दिखाने के लिए कुछ ऐसे ग्रीन स्क्रीन लगाई जाती थी ताकि ये एरिया मूवी में बहुत बड़ा लग सके। जब ये गाना स्टार्ट होता है तो आमिर खान कुछ ऐसे भागते हुए केबल की मदद से हवा में स्टंट करते हैं, लेकिन जिस केबल से आमिर खान स्टंट कर रहे थे वो केबल ऊपर ही फंस जाती है और 15 मिनट तक आमिर खान हवा में ही लटके रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में धूम 3 जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। इसके अलावा अगर आप धूम 3 के और भी बिहाइंड द सीन्स देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।